आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। चौपाल के कार्यक्रम में आना मुझे पिछले साल भी मौका मिला था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि अगले कार्यक्रम में जब मैं आऊंगा तो इस कटु सत्य से आमना सामना होगा कि जिस पिछले कार्यक्रम में सम्माननीय हमारे स्वर्गीय भोलानाथ विद जी कार्यक्रम की रूपरेखा बना रहे थे, आज उनके प्रथम पुण्य तिथि पर मुझे आना पड़ेगा। मन को विश्वास नहीं होता और कभी भी ऐसा जहन में भी नहीं आता था कि इस तरीके की घड़ी आएगी जब मुझे उनके पुण्य तिथि के कार्यक्रम में आना पड़ेगा। लेकिन विधि के आगे, विधि के विधान के आगे हम सब लोग मजबूर हो जाते हैं और आज मुझे उनके प्रथम पुण्यतिथि पर इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिल रहा है। चौपाल ने भी कम अवधि में 2010 से यानी 11 साल के उसमें अपने आप को जो आगे बढ़ाया है, मैं अभी मदन दास जी से मिला था। मदन दास जी बड़े गौरवशाली तरीके से इस बात को कहते हैं कि चौपाल ने बहुत बड़ा और बहुत अच्छा काम किया है और इसको और बढ़ना है और आगे जाना है। परंतु जिस आयोजन के निमित्त हम एकत्रित आए हैं, श्री भोलानाथ जी विच, आज शारीरिक दृष्टि से हमारे बीच में नहीं है, ये बात सत्य है। परंतु भोलानाथ जी विज कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। जब हमारा कोई अपना सा व्यक्ति, कर्मठ व्यक्ति, बहुत अपना सा, जो समाज के लिए, देश के लिए काम करने वाला व्यक्ति इस दुनिया से विदा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो हमारे आसपास है, क्योंकि उनके कामों की खुशबू, उनके कर्मों की खुशबू हमारे आसपास है, जो हमें हमेशा प्रेरित करती है कि आगे बढ़ो और काम करो। आज 11 सेंटर्स की ग्रुप हेड्स को हमने बुलाया है, क्योंकि संख्या की दृष्टि से हम ज्यादा नहीं बुला पाए, बाकी उनके घरों में जाकर उनका वो होगा सम्मान। 11 बहनों के मैं सौरभ नैयर जी से निवेदन करूंगा, वे उनका नाम लेंगे और उन लाभार्थियों का जिन्होंने समय से पहले चौपाल के ऋण को वापस किया, ऐसी बहनों का सम्मान करेंगे हमारे राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी। स्वर्गीय भोलानाथ विज जी जो चौपाल के संस्थापक थे, उनकी आज प्रथम पुण्यतिथि है और इस अवसर पर चौपाल लाभार्थियों के जो 112 कार्यक्रम चौपाल के हुए, उनके लाभार्थियों में से जिन लोगों ने चौपाल का ऋण समय पर लौटा दिया था उनको सम्मानित करने का काम कर और 51 महिलाओं को ऋण देकर चौपाल ने आज उनकी पुण्यतिथि को मनाया है। और आज इस अवसर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, संघ के वरिष्ठ प्रचारक श्री प्रेम जी गोयल जी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी और अन्य कई विभूतियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया है। इन लाभार्थियों को बर्तन का एक बड़ा सेट देकर और चौपाल लाभार्थियों को 15,000 की राशि देकर और लगभग 250 बच्चियों के लिए सुकन्या योजना के खाते खुलवाकर आज भोलानाथ जी को श्रद्धांजलि देने की, जो सामाजिक श्रद्धांजलि देने का काम हुआ है, आज आप उस कार्यक्रम में खड़े हैं। माननीय भोलानाथ विज जी को जिस प्रकार से उनकी कोरोना में मृत्यु हुई, उसके पश्चात उनका आज 1 वर्ष पूर्ण हुआ था जिसके लिए यह कार्यक्रम रखा गया।
असली व्यक्तित्व वो होता है। देखिए उनके परिवार ने शायद इतना बड़ा प्रोग्राम करने की सोची भी नहीं होगी, पर ये इतना बड़ा कार्यक्रम समाज ने मिलकर किया। कुछ व्यक्तियों के पद चिन्हों को दुनिया याद रखती है, ऐसे हमारे भोलानाथ विज जी थे। हर समय समाज की मदद करना, कार्यकर्ताओं का निर्माण करना और हर व्यक्ति से फ़ोन कर कर सुख और दुख के अंदर पूछना। कई बार मेरे पास भी दो दो महीने बाद फ़ोन आता था, अमित जी कैसे हो, हम याद ना करें तो वो याद करते थे हमें। ऐसे भोलानाथ जी हर व्यक्ति से टच में रहते थे, तो उनकी पुण्यतिथि पर इतने बड़ी संख्या में जो आज लोग आए वो इसी कारण आए कि वो हर एक के साथ हमेशा समाज में जुड़ाव रखते थे। आज हमने आदरणीय स्वर्गीय भोलानाथ जी को अपने श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किए और साथ ही साथ फिर से उनको अपने दिल में, अपने लफ्ज़ों में, अपनी दुआओं में और कर्मों में हमारे साथ रहें, ये दुआ उन्हीं से मांगी कि हमेशा हमारे साथ रहना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जैसे आप निष्ठावान थे, जैसे आप कर्मशील थे, निरंतर प्रयास करते थे, उसी तरह से हम भी आपके पद चिन्हों पर चल सकें, ऐसे श्रद्धा सुमन हमने उनको अर्पित किए और उनसे आशीर्वाद मांगा। आज हम अपने प्रेरणा स्रोत भोलानाथ विज जी, जिन्होंने चौपाल के सदस्य के रूप में माइक्रो ऋण देकर हजारों 50,000 से ज़्यादा घरों को अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका दिया, उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। और बड़ा दुख हुआ मुझे कि ऐसे महात्मा थे जल्दी इस दुनिया को छोड़ चले गए। जब तक वो यहाँ रहते, दुनिया में रहते, लोगों का भला करते, तो मैं तो आज इनको अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करने आया हूँ और भगवान से दुआ करता हूँ इनका परिवार बिल्कुल उनके पीछे भी ऐसे वैसे ही प्रगति करे जैसे उनके समय में करते थे। आज यहाँ इतने बड़ा जनसमूह यहाँ पर आया है, जनसमूह का देखिए कितना प्यार है। अभी सुकन्या योजना में उन्होंने लोगों को, बच्चों को उनकी पासबुकें दी हैं, अभी उपहार बांट रहे हैं गरीब महिलाओं को जिन्होंने समय पर ऋण चुकाया। अर्पित करते हैं कि ऐसे महान व्यक्ति दुनिया में बहुत कम होते हैं, ये आए, अच्छे काम किए और चले गए। स्वर्ग से भी ये हमारे भारत को, दिल्ली के लोगों को, सबको अपना आशीर्वाद जोड़ देंगे। मैं तो उन्हें संगठन की दृष्टि से भी देखती हूँ और मैं तो यही कहूँगी कि जब से मेरी संघ परिवार में शादी हुई है, मेरे ससुर जी ने, मेरे पिता समान जो हैं, उन्होंने मुझे इनसे मिलवाया और मुझे इतनी खुशी है इस बात की और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि वो मुझे बेटी मानते थे और मेरे लिए तो वो आज भी हैं। इतना सरल स्वभाव, व्यक्तित्व इतना शानदार, सबको मिलकर लेकर चलने वाले, ऐसे लोगों का आशीर्वाद मिलना बहुत भाग्यशाली होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।